आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस फ्रेंच राइटर गाय डी मोपासा की एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द नेकलेस, या कई लोग इसे द डायमंड नेकलेस के नाम से भी जानते हैं। इसे 1884 में लिखा गया था और उसी साल इसे पब्लिश भी किया गया था फ्रेंच न्यूज़पेपर ली गॉलिस में। फ्रेंड्स, ये स्टोरी जो है ये अपनी ट्विस्टेड एंडिंग के लिए बहुत फेमस है। इसकी एंडिंग जो है बहुत ही यूनिक है, लोगों को कंफ्यूज कर देती है, और साथ ही ये जो तरीका है ये मोपासा का स्टाइल है, उसका हॉलमार्क माना जाता है ये कि उनकी सभी स्टोरीज में इसी तरह की एंडिंग होती थी जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, गाय डी मोपासा एक 19th सेंचुरी फ्रेंच ऑथर थे जिनका जन्म हुआ था 5th अगस्त 1850 में और उनकी डेथ हुई थी 6 जुलाई 1893 में। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, साथ ही 6 नॉवेल्स, 3 ट्रैवल बुक्स और 1 वॉल्यूम ऑफ वर्स, इतना कुछ इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में लिखा है। इनकी फेमस वर्क्स में ओल्ड मॉन्गिलेट, द मस्टेच, द नेकलेस, यूजलेस ब्यूटी, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी समझते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है मैडम मैथिल्डे लॉयजल, जिनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। उनके फैमिली में क्लर्क्स हैं, लेकिन वो खुद को एक एरिस्टोक्रेट समझती है, वैसे ही जिंदगी जीना चाहती हैं। मगर यहाँ तक कि उनकी शादी भी जो है वो भी एक लो पेड क्लर्क से करवा दी गई है और उनके हस्बैंड का नाम है मिस्टर लॉयजल। अब ये मिस्टर लॉयजल जो हैं ये क्लर्क हैं तो ज़्यादा कमाते नहीं हैं, मगर फिर भी इनके घर में सभी बेसिक सुविधाएं हैं। इनके पास एक अच्छा घर है, इनके घर में एक मेड सर्वेंट भी है जो उनके लिए घर में काम करती है। लेकिन मैडम मैथिल्डे जो है उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमेशा से बड़े महलों में रहना चाहती थी, बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना चाहती थी, अच्छे कपड़े गहने ये सब कुछ उन्हें चाहिए था और मिस्टर लॉयजल की छोटी सी सैलरी में ये सब पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन मिस्टर लॉयजल घर आते हैं अपने साथ एक बॉल का इनविटेशन लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। उन्हें एक इनविटेशन मिला है और उन्होंने आकर के अपनी वाइफ मैथिल्डे से कहा कि हम इस पार्टी में जाएंगे, इस बॉल में जाएंगे, तैयार हो जाओ। लेकिन मैथिल्डे जो थी वो उल्टा उदास हो गई, रोने लगी और अपने हस्बैंड को कहने लगी कि तुम ये किसी ऐसी औरत को जाके दे आओ जिसके पास अच्छी ड्रेस हो, अच्छे गहने हो, क्योंकि मैं अगर इस बॉल में जाऊंगी तो मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। तुम एक काम करो, तुम ये किसी और को इन्विटेशन दे आओ। तो लॉयजल जो है वो बड़ा उदास होता है अपनी वाइफ को रोता देखकर और उससे पूछता है कि ये बताओ कि एक अच्छी ड्रेस कितने रुपए में आएगी। तो मैथिल्डे उससे कहती है कि मुझे 400 फ्रैंक्स दे दो, मैं उसमें अपने लिए एक अच्छी ड्रेस खरीद लूंगी। अब मिस्टर लॉयजल ने उतने पैसे सेव करके रखे थे क्योंकि वो एक गन खरीदना चाहते थे और अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पर हंटिंग के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो सारे पैसे अपनी वाइफ को दे दिए कि ठीक है, ये लो 400 फ्रैंक्स और अपने लिए एक अच्छी ड्रेस खरीद लो। लेकिन इसके बाद भी मैडम मैथिल्डे जो है वो खुश नहीं हुई और अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मेरे पास कोई गहने नहीं है, मैं ड्रेस खरीद भी लूंगी तो उसके साथ ज्वेलरी क्या पहनूंगी। तो मिस्टर लॉयजल उनसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम फूलों की, फ्रेश फ्लावर्स, रोज की ज्वेलरी पहन लो जो कि बस 5 फ्रैंक्स में आते हैं, ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। लेकिन मैथिल्डे तैयार नहीं होती है, बोलती है कि नहीं, मैं ये पहन के नहीं जा सकती, कितना अजीब लगेगा। तो मिस्टर लॉयजल जो है वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपनी फ्रेंड मैडम जीन फॉस्टियर के पास चले जाओ, वो बहुत ही रिच हैं, उनके पास बहुत ज्वेलरीज हैं, उनके पास जाओ और उनसे एक ज्वेलरी उधार मांग लो, उनसे कहो कि एक रात के लिए उस बॉल में पहनने के लिए वो तुम्हें कोई ज्वेलरी उधार दे दें। मैथिल्डे को ये बात बहुत पसंद आती है, वो मैडम जीन फॉस्टर के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उन्हें अपनी ज्वेलरी में से कुछ पहनने को दे दें। मैडम जीन फॉस्टर कहती है कि तुम्हें जो भी पसंद है तुम सेलेक्ट कर लो, ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैथिल्डे जो है वो एक डायमंड नेकलेस सेलेक्ट करती है, उसे वो बड़ा पसंद आता है, कहती है कि मुझे बस ये नेकलेस दे दीजिए, मैं बस इसे ही पहनना चाहती हूँ। मैडम जीन फॉस्टर मैथिल्डे को वो डायमंड नेकलेस दे देती है। अब जब मैथिल्डे इस बॉल में जाती है अपनी न्यू ड्रेस पहनकर और साथ में डायमंड की नेकलेस पहनकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और जितने भी इन्फ्लुएंशियल हाई सोसाइटी के मेन हैं वो उसके साथ डांस करना चाहते हैं, उसे एडमायर कर रहे होते हैं। मैथिल्डे खुद को इस बॉल में बहुत इंजॉय करती है और लेट नाइट तक वहीं रहती है, पार्टी करती है। जब बहुत ही लेट, यानी देखा जाए तो सुबह के समय, जब मैथिल्डे और मिस्टर लॉयजल वापस लौटते हैं तो मैथिल्डे एक आखिरी बार खुद को मिरर में देखने के लिए जाती है कि फिर पता नहीं कब मैं ऐसे तैयार होंगी, एक बार खुद को देख लेती हूँ। लेकिन जब वो मिरर में खुद को देखती है तो वो नोटिस करती है कि जो डायमंड नेकलेस उसके गले में था, जो उसने जीन फॉस्टर से लिया था, वो मिसिंग है। वो परेशान हो जाती है, जाकर ये बात लॉयजल को बताती है। वो दोनों ही पूरे घर की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें वो नेकलेस नहीं मिलता है, यहाँ तक कि मिस्टर लॉयजल वापस चलकर उस बॉल तक जाते हैं ताकि कहीं अगर रास्ते में वो नेकलेस गिरा हो तो मिल जाए, लेकिन वो नेकलेस नहीं मिलता और एंड में वो मान जाते हैं कि अब वो नेकलेस उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें उसे रिप्लेस करना होगा। अब मिस्टर लॉयजल जो है वो मैथिल्डे को कहते हैं कि जाकर जेन फॉस्टर से कह दो कि तुमसे उस नेकलेस का हुक टूट गया है और तुमने उसे ठीक होने के लिए दिया है, इसलिए उसे रिटर्न करने में टाइम लगेगा और उस टाइम में हम एक न्यू नेकलेस खरीद लेंगे ताकि हम उस पुराने नेकलेस से उसे रिप्लेस कर दें। मैथिल्डे ऐसा ही करती है और उसके बाद ये दोनों ही जाकर के हर एक शॉप में, हर एक ज्वेलरी शॉप में उस नेकलेस का रिप्लेसमेंट ढूंढने लगते हैं। आखिरकार उन्हें पैलेस रॉयल नाम की एक शॉप में एक सिमिलर नेकलेस मिलता है, बिल्कुल वैसा ही, जिसकी प्राइस है 40,000 फ्रैंक्स, और बहुत बार्गेनिंग करने के बाद आखिरकार 36,000 फ्रैंक्स पर वो शॉपकीपर उन्हें वो नेकलेस बेचने को रेडी हो जाता है। मिसेज लॉयजल जो है ये मैथिल्डे, इन्हें अपने फादर से कुछ पैसे मिले थे इनहेरिटेंस में उनकी डेथ के बाद, तो उससे क्या होता है कि 18,000 फ्रैंक्स का इंतजाम हो जाता है, आधी कीमत का जुगाड़ हो जाता है और वो पैसे वो उस शॉपकीपर को देकर के वो नेकलेस ले लेती हैं, बाकी के पैसे रेंट पर बहुत ही हाई इंटरेस्ट के साथ छोड़ देती हैं।
अब ये नेकलेस जो है वो मैथिल्डे जाकर के जेन फॉस्टर को लौटा देती हैं, डरते डरते कि कहीं जेन फॉस्टर खोलकर उस नेकलेस को चेक ना करे और कोई अंतर ना बता दे। लेकिन जेन फॉस्टर खुशी खुशी वो नेकलेस रख देती है और चेक भी नहीं करती। अब जब मैथिल्डे जेन फॉस्टर के घर से लौटती है तो उसे पता है कि अभी उसके ऊपर कितना ज़्यादा डेप्थ है, और इसलिए मिस्टर लॉइजल और मैथिल्डे दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें एक हार्ड लाइफ जीनी होगी, तभी वो इस डेप्थ को रीपे कर सकते हैं। वो अपना घर बेच देते हैं, अपनी मेड सर्वेंट को डिसमिस कर देते हैं और एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब मैथिल्डे जेन फॉस्टर के घर से लौटती है तो उसे पता है कि अभी उसके ऊपर कितना ज़्यादा डेप्थ है, और इसलिए मिस्टर लॉइजल और मैथिल्डे दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें एक हार्ड लाइफ जीनी होगी, तभी वो इस डेप्थ को रीपे कर सकते हैं। वो अपना घर बेच देते हैं, अपनी मेड सर्वेंट को डिसमिस कर देते हैं और एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। मिस्टर लॉइजल जो हैं वो एक एक्स्ट्रा जॉब करना शुरू कर देते हैं एक कॉपियर का, ताकि और ज़्यादा पैसे आ सकें, और मैथिल्डे जो है वो अपनी ब्यूटी के बारे में सोचना बंद कर देती है, बिल्कुल हाउस होल्ड कोर्स करने लगती है, घर के काम करती है और जा करके वेजिटेबल्स लाती है, जो भी काम पहले उसे बहुत ही ज़्यादा लोअर क्लास लगते थे वो सभी काम वो करना शुरू कर देती है। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं, करीबन 10 साल हो जाते हैं, तब जा करके ये पूरा डेब्ट वो पे कर पाते हैं और डेब्ट से फ्री हो पाते हैं। अब इतना कुछ होने के बाद एक दिन मैथिल्डे पार्क में टहल रही थी, तभी वो दूर ही देखती है कि जेन फॉस्टर है वहाँ पर टहल रही है और उसके साथ उसकी बेटी भी है। मगर जेन फॉस्टर जो है वो मैथिल्डे को पहचानती नहीं है। मैथिल्डे उसके पास जाती है, उसे टोकती है, पूछती है कि तुम कैसी हो जेन। लेकिन जेन बोलती है कि माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या मैं आपको जानती हूँ? तो मैथिल्डे कहती है कि हाँ मैं मैथिल्डे हूँ, मुझे पहचाना। तो जेन शॉक्ड हो जाती है कि आखिर इतना ज़्यादा चेंज उसमें कैसे आ गया, और वो उससे पूछती है कि तुम इतना आखिर कैसे बदल गई, 10 सालों में इतना ज़्यादा कैसे बदल गई तुम। तो मैथिल्डे कहती है कि ये तुम्हारे कारण हुआ है। पहले तो जेन फॉस्टर शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या बोल रही हो, मगर फिर पूछती है कि मेरे कारण क्यों हुआ है। तो मैथिल्डे उसे सच बताती है कि याद है तुमने मुझे वो नेकलेस दिया था, वो नेकलेस मुझसे खो गया था। जेन फॉस्टर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो वो नेकलेस मुझे रिटर्न कर दिया था, मुझे याद है। तो वो कहती है कि नहीं, वो जो ओरिजिनल नेकलेस तुमने मुझे दिया था वो मुझसे खो गया था और मैंने उसे रिप्लेस कर दिया एक न्यू डायमंड नेकलेस से। अब ये बात सुनकर जेन को और भी ज़्यादा जोर का झटका लगता है और वो मैथिल्डे के हाथ को पकड़ कर कहती है कि माई डियर मैथिल्डे, तुमने मेरे उस नकली नेकलेस को एक असली नेकलेस से बदल दिया। वो नेकलेस नकली था, उसकी कीमत केवल 500 फ्रेंक्स थी, आखिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? और स्टोरी यहीं पर फ्रेंड्स खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी जो है ये बहुत सारी थीम्स को हाईलाइट करती है, जिसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। अगर मैडम मैथिल्डे शुरुआत में ही ऑनेस्ट नहीं होती और जेन फॉस्टर को सच बता दिया होता तो उनकी ज़िंदगी के ये 10 साल यूँ बर्बाद नहीं हुए होते, वो भी अभी तक रिच होती, खूबसूरत होती। सेकेंडली, दूसरी थीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस, यानी आपकी जीवन की क्या सच्चाई है। अगर आप एक लोअर क्लास सोसाइटी में रहते हैं, अगर आप मिडिल क्लास सोसाइटी में रहते हैं, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि बेकार के झूठे सपने देखने चाहिए कि काश मेरी लाइफ ऐसी होती, मैं एरिस्टोक्रेट होती, हाई क्लास सोसाइटी में रहती। तो ये दोनों ही थीम्स को बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर स्टोरी में बताया गया है।